वंस अगेन वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं पीके बैस, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो मेरा टॉपिक है जेम्सोलिन कैप्सूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये देख लीजिए है जेम्सोलिन कैप्सूल, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद है, कब लेना है, कैसे लेना है और कब इसे आपको नहीं लेना है, क्या है साइड इफ़ेक्ट, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। जैसा कि आज मैं बता रहा हूँ, ये है जेम्सोलिन कैप्सूल और इसके अंतर्गत पाया जाता है कैल्सीसेट्राल, कैल्शियम कार्बोनेट और जिंक। ये तीन चीज़ें मिलकर ये कैप्सूल तैयार किया गया है। इस प्रकार की पैकेजिंग में एक कैप्सूल आता है, 10 की स्ट्रिप होती है और इसकी MRP जो है 149 रुपीज़, 149 रुपये की ये कैप आपको 10 की स्ट्रिप में मिल जाता है। ये देख लीजिए जेम्सोलिन है और इसकी जो दवा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मेडली कंपनी है, मेडली फार्मा स्विटकल लिमिटेड। तो ये बहुत ही अच्छी दवा है, खास करके उनके लिए जो घुटनों के दर्द है, जैसे आपके घुटनों में दर्द होता है, कटकट की आवाज़ आती है, या आपके वो वर्क ज़्यादा करते हैं और आप डेली अपने डाइट में जो है दूध को नहीं शामिल कर पा रहे हैं, या आपको अच्छा दूध नहीं मिल पाता है, आप कहीं बाहर रहते हैं, या वो बच्चे जो 15 साल के ऊपर हो गए हैं और जिनका ग्रोथ रुक गया है, वो उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, मेहनत ज़्यादा करते हैं और बहुत दुबले पतले कमज़ोर हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खास करके महिलाओं के लिए जिनको कमर दर्द की समस्या रहती है या घुटनों में दर्द रहता है, घर में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है या बाहर ज़्यादा काम करती हैं और अपने खान पान पर वो सही से देखभाल नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद ये जेम्सोलिन कैप्सूल है। और ये दवा बहुत आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, कहीं भी आप इस दवा को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, वहाँ से दवा ले सकते हैं। तो आज के ज़माने में चूंकि बहुत सा जो है आदमी को स्ट्रेस रहता है, तमाम प्रकार की समस्याएं रहती हैं और खाना समय से नहीं मिलता है और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, घुटनों का दर्द होना, कमर दर्द होना, ये आम बात हो गई है, तो उसके लिए कैल्सीसेट्राल, कैल्शियम कार्बोनेट और जिंक युक्त ये जो जेम्सोलिन कैप्सूल है बेहतरीन रिजल्ट है। मैं भी अपने मरीजों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया हूँ और करता भी हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो इसे आप प्रयोग कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए इसका जान लेते हैं कि क्या है सही तरीका लेने का। तो इसका सही तरीका लेने का है कि इसको आपको दूध के साथ, अगर गुनगुना दूध मिल जाए तो उसके साथ आप शाम को भोजन करने के आधे घंटे बाद ले लीजिए, अगर दूध नहीं है तो आप गुनगुने पानी के साथ लीजिए। आप इसके साइड इफ़ेक्ट को देख लेते हैं, क्योंकि हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो जेम्सोलिन कैप्सूल खाने के बाद अगर आपके पेट में दर्द होने लगता है, या आपका सर चकराने लगता है, उल्टी होती है, हवक आता है, या किसी भी प्रकार की अन्य समस्याएँ होती हैं, तो आप जेम्सोलिन कैप्सूल तुरंत लेना बंद कर दीजिए। और कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें, और अगर कुछ टेस्ट होते हैं कि आपको शरीर में कैल्शियम की कमी है, अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है तब भी ले सकते हैं। और अगर आपको कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ये दवा आप ले सकते हैं। ये दवा जो है आपको 15 दिन तक, 10 दिन तक लेना चाहिए, फिर आपको बंद कर देना चाहिए, उसके बाद पुनः जो है एक महीने के बाद ये दवा पुनः लेना शुरू करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है जेम्सोलिन कैप्सूल के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, यदि इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।